आईपीएल 2021 के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में नीलामी हुई। नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा। ग्लेन मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14.25 करोड़ में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ में खरीदा। कई सालों से आईपीएल में मिस्ट्री गर्ल चर्चा का विषय बनी। 2018 में मालती चहर हो या फिर आरसीबी फैन दीपिका घोष, इस साल भी एक मिस्ट्री गर्ल चर्चा का विषय बनी हुई है। आईपीएल 2021 की नीलामी के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर वीवीएस लक्ष्मण के पास एक मिस्ट्री गर्ल नजर आई, जिस पर कैमरा बार बार जाता दिखा। सोशल मीडिया पर तस्वीरों ने धमाका मचा दिया। पिछले साल की नीलामी में भी उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। महिला कोई और नहीं बल्कि एसआरएच के मालिक कलानीत मारन की बेटी काव्या मारन है, जो फ्रेंचाइजी की को ओनर भी हैं। काव्या क्रिकेट लवर हैं, जो सन टीवी और सन टीवी के एफएम चैनलों से जुड़ी हैं। ट्विटर पर लोग उनकी एक झलक को शेयर कर रहे हैं। वह पहली बार आईपीएल 2018 के दौरान नजर आई थी, जहां काव्या को उपल के राजीव गांधी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान एसआरएच के समर्थन में देखा गया था। काव्या ने चेन्नई में एमबीए किया है और अब उनका पूरा फोकस आईपीएल पर है।